स्तन दबाकर भागा मन चला। I asked him back, की कोइसे आपको उसोरले आइले सिनाकी बहुत कुंडुम को सम गम ना पाम बेले गलो ही होल्ड मी लाइक दैट एंड ग्रोप्ड मी। सरयाम की गंदी हरकत हैरेसमेंट इन जाली हां सेक्सुअली हैरेस कोई भी स्वाली करो पलाई दबी और तोहनो कटे स्वाली गुड़ी बनवारे। युति ने सबके सामने सिखा दिया सबक। हाउ डेयर यू डू दैट नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सोशल मीडिया पर असम की एक लड़की ने अपना वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उसने उस घटना के बारे में बताया जो उसके साथ हुई थी। दरअसल एक स्कूटी सवार युवक ने पता पूछने के बहाने लड़की से छेड़छाड़ की। युति के मुताबिक लड़का गंदी हरकत पर उतारू हो गया, जिसके बाद युति ने भी मनचले को अच्छे से सबक सिखाया। पहले लड़के को पूरी ताकत से पकड़कर सड़क पर घसीटा। जब लड़के ने स्कूटी से भागने की कोशिश की तो लड़की ने धक्का देकर स्कूटी को नाले में फेंक दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। I asked him back, की कोइसे आपको उसोरले आइले सिनाकी बहुत कुंडुम को सम गम ना पाम बेले गलो ही होल्ड मी लाइक दैट एंड ग्रोप्ड मी हैरेसमेंट इन जाली हां सेक्सुअली हैरेस कोई भी स्वाली करो पलाई दबी और तोहनो कटे स्वाली गुड़ी बनवारे। हां हाउ डेयर यू डू दैट घटना गुवाहाटी की बताई जा रही है। भावना कश्यप नाम की महिला ने फेसबुक पोस्ट के जरिए घटना के बारे में बताया है। भावना ने लिखा, जब वो सड़क पर जा रही थी तो सामने से स्कूटर सवार एक व्यक्ति ने उनसे एक पता पूछा। पहली बार में भावना उसे सुन नहीं पाई, तब वह व्यक्ति उनके करीब आ गया। उसने भावना से सिनाकी पथ के बारे में जाने को पूछा था। उन्हें जानकारी नहीं थी और स्कूटी सवार को पता बताने में वो असमर्थ हुई। भावना ने बताया कि उनके मना करते ही स्कूटी सवार ने उनके स्तन को पकड़ लिया। उन्होंने लिखा, जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले उसने मेरे स्तन को पकड़ लिया। एक सेकंड के लिए मुझे समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। भावना ने छेड़खानी करने वाले का नाम मसूदन राजकुमार बताया है। भावना ने लिखा है कि इसके बाद उस व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने स्कूटी को पीछे से उठा लिया और वो लगातार एसीलेटर दबाया जा रहा था। अंत में भावना ने उसकी स्कूटी नाली में ढकेल दी, जिसके कारण वह भागने में असफल रहा। भावना ने अपनी पोस्ट में असम पुलिस को भी धन्यवाद दिया है, जो समय पर मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाल लिया। आरोपी के खिलाफ देसपुर स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है। भावना ने आशा जताई है कि असम पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और महिलाओं के लिए न्याय और सशक्तिकरण का एक उदाहरण पेश करेगी। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।